हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोगों की कक्षा 8 के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हेमंत कुमार उपाध्याय आप लोगों को गणित पढ़ाने चल रहा हूँ। पहला अध्याय शुरू करने चल रहा हूँ। पहला अध्याय है आपका वर्ग और वर्गमूल। गणित की परिभाषा हो गई है हमारी पिछली वीडियो में, संख्या की हो गई है, संख्या के प्रकार में सम संख्या विषम संख्या सबकी वीडियो बनाया जा चुका है। आज जो वर्ग और वर्गमूल है इसको अंग्रेजी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। अब देखिए जो ये वर्ग है, पहले बता रहा हूँ वर्ग को स्क्वायर करते हैं। यह क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसे आप इस भाषा में भी कह सकते हो कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाता है जो मान प्राप्त होता है वह मान उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे देखो ध्यान से, एक का वर्ग, कोई आपसे बोले कि एक का वर्ग क्या है, एक का वर्ग का मतलब क्या है, एक बुढ़े एक। जब आप में एक में एक का गुणा करेंगे तब इसका आंसर आएगा एक। इसी प्रकार दो का वर्ग कोई पूछ रहा है, दो का वर्ग का वर्ग पूछा मतलब जो संख्या है उसी संख्या में एक बार और गुणा, दो का वर्ग दो गुणे दो बराबर चार। इसी प्रकार तीन का वर्ग, जब तीन का वर्ग होगा तो तीन का वर्ग का मतलब क्या हो गया, तीन का वर्ग तो तीन में तीन से गुणा अर्थात नौ। तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वर्ग से करते। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ नोट में कि एक फरा नोट क्या है, एक से बीस तक की संख्याओं का वर्ग है। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ एक से बीस तक की संख्याओं का वर्ग। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, फेर बनाते रहिए, जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। आपको यह माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में और माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं संख्या लिखा हूँ तो यह संख्या 20 तक लिखी गई है और इसके बाद यहाँ पे वर्ग लिखा गया, संख्या जो है उसका वर्ग, तो उस संख्या में उसी संख्या से गुणा। जैसे देखो एक, पहली संख्या क्या है एक, एक का वर्ग एक गुणे एक बराबर एक। दो, दो का वर्ग दो गुणे दो बराबर चार। तीन का वर्ग तीन गुणे तीन बराबर नौ। चार का वर्ग चार गुणे चार बराबर सोलह। पांच का वर्ग पांच गुणे पांच बराबर पच्चीस। छह का वर्ग छह गुणे छह बराबर छत्तीस। सात का वर्ग सात गुणे सात बराबर उनचास। आठ का वर्ग आठ गुणे आठ बराबर चौसठ। नौ का वर्ग नौ गुणे नौ बराबर इक्यासी। दस का वर्ग दस गुणे दस बराबर सौ। ग्यारह का वर्ग ग्यारह गुणे ग्यारह बराबर एक सौ इक्कीस। बारह का वर्ग बारह गुणे बारह बराबर एक सौ चौवालीस। तेरह का वर्ग तेरह गुणे तेरह बराबर एक सौ उनहत्तर। चौदह का वर्ग चौदह गुणे चौदह बराबर एक सौ छियानवे। पंद्रह का वर्ग पंद्रह गुणे पंद्रह बराबर दो सौ पच्चीस। सोलह का वर्ग सोलह गुणे सोलह बराबर दो सौ छप्पन। सत्रह का वर्ग सत्रह गुणे सत्रह बराबर दो सौ नवासी। अठारह का वर्ग अठारह गुणे अठारह बराबर तीन सौ चौबीस। उन्नीस का वर्ग उन्नीस गुणे उन्नीस बराबर तीन सौ इकसठ। इसी प्रकार बीस का वर्ग बीस गुणे बीस बराबर चार सौ। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग 21 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग बनाइए। 21 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग आप लोग इसको बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, चेक किया जाएगा उसको। आगे देखिए कुछ नोट की पॉइंट में बता देना चाह रहा हूं, यह जो एक से बीस तक की संख्याएं हैं या और संख्याएं मिलेंगी, इसमें दो संख्याएं हैं, एक सम संख्या है एक विषम संख्या है। जो सम संख्या है, सम संख्या का मतलब क्या है, वह सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह कट जाती है या इसके इकाई स्थान पर जीरो दो चार छह आठ में से कोई भी संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, जो दो से पूरी तरह नहीं कटती है, विभाजित नहीं होती है, और विषम संख्या होती है इसके इकाई स्थान पर एक तीन पांच सात नौ में से कोई संख्या होती है। अब देखिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि दूसरा नोट में क्या है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। जैसे देखो सम एक दो एक सम संख्या है, दो का वर्ग दो गुणे दो बराबर चार। इसी प्रकार चार एक सम संख्या है, चार गुणे चार बराबर सोलह। इसी प्रकार छह छह गुणे छह बराबर छत्तीस। आठ आठ गुणे आठ बराबर चौसठ। दस दस गुणे दस बराबर सौ।
बारह गुणे बारह बराबर 144, 14 14 गुणे 14 बराबर 196, 16 16 गुणे 16 बराबर 256, 18 18 गुणे 18 बराबर 324, 20 20 गुणे 20 बराबर 400। इसी प्रकार बेटा आप देखो ध्यान से, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है, यह देख लीजिए ध्यान से। विषम संख्या क्या हो गया, इसे एक एक गुणे एक बराबर एक, तीन तीन गुणे तीन बराबर नौ, पांच पांच गुणे पांच बराबर 25, सात सात गुणे सात बराबर 49, नौ नौ गुणे नौ बराबर 81, ग्यारह ग्यारह गुणे ग्यारह बराबर 121, तेरह तेरह गुणे तेरह बराबर 169, पंद्रह पंद्रह गुणे पंद्रह बराबर 225, सत्रह सत्रह गुणे सत्रह बराबर 289, उन्नीस उन्नीस गुणे उन्नीस बराबर 361। ये सब क्या हो गया, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। कुछ नोट बेटा इसमें है, मैं देखो इसमें जो तीसरा नोट था वो छोड़ दिया था आपको, इसलिए कि सम की बात हो रही थी, विषम की बात पर जाने की। अब क्या है, जो ये संख्याएं दी गई, देखिए नोट में क्या हो गया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक एक है या नौ है, विषम संख्या है, एक है या नौ है, तो उसके वर्ग की संख्या का इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। यह ध्यान दीजिएगा, जिसे देखो एक है, एक का भी कितना है, नौ नौ है, तो नौ इक्यासी इकाई का कितना हो गया, एक हो गया। फिर देखो एक है, ग्यारह में इकाई का कितना हो गया, एक। उन्नीस इकाई का देखो कितना हो गया, एक। यह चीज बता रहा है। इसी प्रकार क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक दो या आठ है, तो उसके वर्ग की संख्या का जो इकाई अंक होगा वह चार है। देख लीजिए दो और आठ इकाई अंक में बात करें, दो का चार, आठ का चौसठ में चार। फिर देखो दो बारह वाले में है, इसका इकाई कितना है, चार। फिर देखो आठ अठारह में है, इसका इकाई कितना है, चार। यह चीज है। अगला नोट क्या बता रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक तीन या सात है, तो उसके वर्ग की संख्या का जो इकाई अंक होगा वह नौ होगा। इसी प्रकार देखिए तीन और सात, तीन यहाँ है तो नौ आ गया इकाई, सात है तो 749 नौ हो गया। फिर तीन में तेरह में तीन है तो देखो 169 में नौ, सत्रह में सात है तो देखो 289 में नौ। इसी प्रकार बेटा क्रम में आगे बढ़ते हैं। सातवें नोट में कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक चार या छह है, तो उसके वर्ग का जो इकाई अंक होगा संख्या में कितना होगा, छह होगा। चार और छह की बात कर रहा है, चार देखिए यहाँ है, चार जो का सोलह, इकाई अंक कितना गया, छह। छह देखो है तो छह में 36, चौदह में चार है तो चौदह चौदह 196 में छ, फिर सोलह में 256 छ। इस तरह से बेटा आप समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां नोट क्या बता रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक का इकाई अंक पांच है, तो उसके वर्ग की संख्या का इकाई अंक कितना होगा, पांच होगा। देखो यहाँ पे पांच है तो पांच बचे कितना होगा, पच्चीस, पच्चीस में इकाई अंक कितना है, पांच, पंद्रह, पंद्रह में देखो पांच है, इकाई अंक कितना है, 225, सॉरी संख्या कितनी है, 225, उसमें इकाई कितना है, पांच। तो बेटा ये नोट्स है, आप इसको घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम सेफ लाइफ सेफ हार्ट। यह संजीव सिंह के अथक प्रयास से यह वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग इसको देखिए, घर पे रहिए, पढ़िए, फिर बनाते रहिए, घर पे लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।